योग तो कोई स्वामी जी का आविष्कार नहीं है योग तो सृष्टि के आदि का शब्द है योग के मुख्य सबसे प्रथम प्रणेता कौन है कौन है जी रजोर से बोलो हाँ महर्षि पतंजलि महर्षि पतंजलि नहीं है हिरण्यगर्भ गर्भ है आदि प्रणेता योग की महर्षि पतंजलि तो बहुत बाद में हुए हैं हिरण्य गर्भ हैं आदि मूल प्रणेता योग की तो वो योग चलते 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 और फिर आकर के योग कहाँ टिक गया कि जो योगी है वो कोई काम नहीं करता है आराम से वो गुफा में बैठ के आंख बंद करके बस केवल उपासना करता है ध्यान करता है कभी कभी स्वाध्याय कर लेता है वो ही योगी है, ये योग है तो धारणा ध्यान समाधि ये तो तीन अंग हैं आखिर के पहले वाले कहाँ जाएंगे योग के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार कहाँ जाएगा तो छुटी गया था तो योग क्या है उसके अर्थ ही चेंज कर दिए सन्यासी क्या है सन्यास का अर्थ ये समझ लिया था लोगों ने सन्यासी का मतलब है जो कुछ भी काम ना करी जो कुछ भी काम नहीं करता वो सन्यासी है स्वामी जी बोलते हैं जो सबसे ज्यादा कर्म करे इन्होंने भी वही बताया दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने कि जैसे सांसारिक कामनाओं से युक्त व्यक्ति आसक्ति से युक्त होकर के पूर्ण पुरुषार्थ करता है वैसे ही विद्वान को अनासक्त भाव से पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए तो अर्थ बदल गया ना योग का और छठे अध्याय में भी आएगा कि योगी वो है जो कभी निरग्नि नहीं होता है न निरग्नि न च अक्रिय और जो कभी अक्रिय नहीं होता है वो स योगी चे सन्यासी चे वो योगी है और वो सन्यासी है जो अक्रमण्य प्रमाद में रहता है वो योगी नहीं होता है क्योंकि अक्रमण्यता के लिए तो ईश्वर ने मनुष्य को बनाया ही नहीं तो जब अब तक तो ये अपने एक परिवार के लिए कर्म करता था तो सामान्य व्यक्ति था जब पूरे समाज के लिए कर्म करता था तब ये वानप्रस्थी था और जब ये प्राणी मात्र की भलाई के लिए कर्म करता है तब ये सन्यासी है तो आसक्ति का त्याग करके मोह का त्याग करके और फिर पूर्ण पुरुषार्थ करना यह सन्यासी का अर्थ है तो ऐसा उन्होंने खुद भी जिया अपने जीवन से और खुद जिया तो करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां भी लाई और फिर वो एक परंपरा ही चली तो आप जैसे भी फिर और भी लोग आ गए उसी धारा में शामिल होने के लिए कि हम भी अपने जीवन को अपनी शक्तियों का परिष्कार करके इसी सेवा में ही इसी धारा में अपने जीवन को लगाना चाहते हैं कि अपनी कोई इच्छा नहीं रखना और उसके बाद सबकी खुशियों के लिए 18 से 20 घंटा पुरुषार्थ करना तो ऐसा करके आत्मा को क्या मिलती है खुशी मिलती है अच्छा लगता है कोई आदमी पानी से मतलब प्यास से तड़फ तड़फ के उसके प्राण जा रहे हैं आपके सामने वो दम तोड़ रहा है और वो पास में कुआं है वो बेचारा नहीं निकाल सकता है उसकी हालत इतनी खराब है और आप अच्छे हट्टे कट्टे हैं तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप कुएं से पानी निकाल के उस व्यक्ति को पिलाएं उसके प्राण बचाएं और फिर उस व्यक्ति को उपदेश दें वो भी भलाई के काम में लगे एक तो ये सन्यास का काम है और दूसरा एक भी मैं तो अपना ध्यान लगा के बैठा हूं कौन मर रहा है कौन जी रहा है सब अनित्य संसार है मुझे कोई लेना देना नहीं है एक ये ऑप्शन है तो दोनों में से कौन से वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगेगा पानी पिलाने वाला भाई मनुष्य है तो तेरे अंदर जो मानव उचित जो करुणा है वो तो होनी चाहिए ना तो ये किसी मरते हुए को प्यासे को पानी पिलाना किसी भूखे को खाना खिलाना जो बेचारा अपने परिवार में जिसको एक एक पैसे की तंगी है जो आत्महत्या करने के लिए तैयार है उन लोगों को कोई रोजगार देना उनके जीवन में जितना हम कर सकते हैं उतनी तो सहायता करें तो ये सब करना ये बुरा है कि अच्छा है अच्छा, अच्छा है तो यही तो पतंजलि कर रहा है तो उसके अर्थ ही चेंज कर दिए सन्यास के योग के ऐसे ही योगेश्वर कृष्ण ने यज्ञ का अर्थ ही चेंज कर दिया यज्ञ क्या है परोपकार के लिए करो सब कुछ क्योंकि यज्ञ में सब क्या होता है निष्काम भाव से सब क्रियाएं की जाती हैं, इधर न ममा के भाव से की जाती हैं, ऐसा ही सारी सृष्टि में हो रहा है आप भी सृष्टि के एक अंग हो इसलिए आपका हर कर्म कैसा हो योगस्थ योगस्थ है कुरुकर्माणी तो ये इन्होंने बताया चलू आगे हाँ ए, है जी हिरण्य गर्भ कौन थे आदि यो, योग के प्रणेता अच्छा, कोई ऋषि थे ये? हाँ। चलू फिर अभी तो कल ये बता रहे थे कि हमारा ज्ञान किस से आवृत्त है कामनाओं से अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं हैं हमारी और वो पकड़ में भी नहीं आती हैं हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे अंदर कामना है जैसे तुरंत पूछा जाए आपसे कि आपके अंदर क्या क्या कामना है तो कैसा लगेगा आपको कोई कामना नहीं है जी ऐसे ही लगता है ना ऊपर से देखने में तो यही लगता है ना हमें नौकरी लगने की कामना है ना किसी पद की कामना है ना किसी प्रतिष्ठा की कामना है तो हम तो निष्काम हैं। फिर और थोड़ा सा गहरा घुसेंगे अंदर प्रवेश करेंगे और अपने एक एक विचार पे काम करेंगे ये विचार क्यों उठ रहा है मेरे मन में इस व्यक्ति के प्रति इस स्थान के प्रति ये विचार क्यों आया मेरे अंदर तब आपको पता लगेगा कि इसके पीछे ये कामना छिपी हुई है छिपके रहते हैं वो सामने नहीं आते नहीं बताते हैं कि हम कामना है ऐसा मैंने क्यों बोला ऐसी चर्चा मैंने क्यों की उस व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति के बारे में तो पता लगेगा इसके पीछे मेरी ये कामना थी कभी व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए और फिर दूसरे को क्या कहता है देखो ये सब यहाँ गुरुकुल में रह करके भी कैसा आचरण करते हैं मतलब यहां पर ईर्ष्या का भाव नहीं है कौन सा भाव है क्या कामना है अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कामना है यहाँ पे कि मैं थोड़ा ज्यादा श्रेष्ठ हूं आज आपने भाषण दिया वहां पर बोला मंच पे तो बहुत अच्छा बोला लेकिन जितना अच्छा आप प्राय बोलते हैं उतना अच्छा आज नहीं था और इस व्यक्ति ने भी बोला जो ये कह रहा है तो यहां भाव क्या है मैंने ज्यादा अच्छा बोला आपने उतना अच्छा नहीं बोला तो यहाँ द्वेष नहीं है ईर्ष्या नहीं है तो अलग अलग समय में अलग अलग कामनाएं होती हैं कभी व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कोई शब्द बोलता है कि मैं दिखाऊं कि मैं थोड़ा ज्यादा सुपीरियर हूं कभी कोई व्यक्ति अपने को थोड़ा लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने की कामना से कोई शब्द बोलता है जी हम तो कुछ भी नहीं है धरती की धूल भी नहीं है और अंदर से जान रहा है कि धरती की धूल नहीं मैं तो हीरा हूँ अंदर से हीरा माने बैठा है अपने आप को और फिर बाहर से ऐसे बोलता है तो ये कौन सी कामना है विनम्रता दिखाने की कामना है कि इससे लोग मुझे अच्छा समझें तो हमारी ये कामनाएं बहुत डीप रूटेड हैं गहरे में इसकी जड़ें हैं तो इसको हमें खुद ही अपने आप ही समझना पड़ेगा कि इसके पीछे ये काम ना है तो इसलिए इन्होंने दो ही कारण बताई काम है ऐश है क्रोध है ऐश है बस इसको पकड़ना है अपने को उसमें भी काम को तो इस काम के लिए कल विशेषण इन्होंने बताया महा अनल ये कैसा है महा अनल है दुष्पूरेण जिसको पूरा नहीं किया जा सकता जिसको शांत नहीं किया जा सकता ऐसी आग है ये कामना फिर ये रहती कहाँ है कहाँ रहती है ये कामना उसको बता रहे हैं अगले श्लोक में अब श्लोक बोलिए इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्या मनो अस्याधिष्ठानमुच्यते विमोहयति एष ज्ञानमावृत्त देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि एनम् पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे ुद्वा संस्तभत्म जहि शत्रु महाबा का काम दुरासद तो ये कामना कहाँ रहती हैं? तो कहा इंद्रियाणी मनो बुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्चते इंद्रिया मन और बुद्धि ये अधिष्ठान है अधिष्ठान मतलब आश्रय इच्छाएं कामनाएं कहाँ रहती हैं? इंद्रियों में मन में और बुद्धि में ये तीन स्थान है इसकी इंद्रियों में कामना जैसे आंख चक्षु की कामना क्या होती है अच्छे ही रूप को देखूं बुरा रूप नहीं देखना चाहता है नाक की ग्रहण इंद्रिय की कामना क्या है अच्छी गंध को ग्रहण करूं बुरी गंध आते ही बंद हो जाता है ये अपने आप ही कहीं जा रहे हैं ना दुर्गंध आई तो क्या करते हैं या तो कपड़ा डालते हैं नाक पे या तो बंद कर लेते हैं लेने की इच्छा नहीं है इंद्रिय की इसकी कामना क्या है बुरा नहीं चाहिए अच्छा चाहिए तो ऐसे ही ये कामना सारी इंद्रियों की अपने अपने विषय में होती हैं और अपने अपने विषयों में या तो राग होता है और या फिर वो राग यदि समाप्त हो गया उससे कष्ट हो गया तो फिर उससे द्वेष होता है जैसे मान लो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु विशेष के खाने में बहुत रुचि थी और उसको खाते खाते उसको पता लगा कि इसके खाने से तुझे ये कोई बड़ी बीमारी हो गई तो फिर अब उस वस्तु से क्या हो जाता है द्वेष हो जाता है ऐसे सब विषयों में इसलिए कभी कभी ऐसे होता है कि किसी एक वस्तु में ज्यादा राग था अब वो पता नहीं कितना प्रामाणिक है वो एक उसके मतलब खोज करने की वो है आवश्यकता है लेकिन वो ऐसे बताते हैं जैसे महिलाओं के विषय में रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने तो पहले महिला के प्रति उनकी अत्यंत आसक्ति थी और फिर क्योंकि अभी उसका इसलिए मैंने कहा वो रिसर्च का विषय है उसके बारे में एक तरफा नहीं कहा जाता है एक तरफा ये है कि उनके अत्यंत आसक्ति थी अपनी पत्नी के प्रति और उनकी पत्नी ने प्रेरणा दी कि आप इतनी आसक्ति ईश्वर से करो तो आप तर जाओगे तो वो अपनी पत्नी के इस कथन से ईश्वर की उसमें लग गए भक्ति में और वो एक संत बन गए लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को सम्माननीय ही समझा कि इन्होंने मेरे को दिशा दी एक है ये और दूसरा ये है कि फिर उनको अत्यंत घृणा हो गई स्त्री मात्र से ये दूसरी है किंवदंती फिर ऐसे कुछ श्लोक भी उन्होंने घड़ लिए कि उन्होंने ऐसे कहा है तो ये कितना प्रामाणिक है उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे लेकिन ये है कि इंद्रियां हमारी ऐसी हैं कि उस विषय में या तो राग करती हैं या उस विषय से द्वेष करती हैं जैसे चक्षु इंद्रिय को किसी रूप में बहुत आसक्ति है और उस रूप ने ही कभी इसको कोई कष्ट दिया तो फिर उसी रूप से द्वेष भी हो जाता है राग द्वेष और जिससे जितना राग होता है उसी मात्रा में फिर द्वेष भी उतना ही होता है तो एक तो इंद्रिया इसका अधिष्ठान है कामनाओं के रहने का दूसरा मन मन में कामनाएं होती हैं इंद्रियों के सामने विषय हैं तब तो इंद्रियों में कामना होती है किसी रूप को देखकर फल को देखकर फूल को देखकर तब उसको लेने की इच्छा होगी और कभी तो कोई भी विषय सामने नहीं है व्यक्ति अपने कक्ष में बैठा है शब्द स्पर्श रूप रसगंध कुछ भी सामने नहीं है लेकिन तब इसकी इच्छा किससे होती है मन से फिर मन से चाहता है मन से चिंतन करता है विषयों का तो ये कामना अब कहा छिपी है मन में फिर बुद्धि में मन में चल रहा था तो फिर बुद्धि ने भी कहा कि ठीक है ऐसा ही करो तो फिर ये आत्मा बेचारा विवश हो के तीनों के पीछे चलता है क्या करेगा फिर ये जिधर भी ले जाते हैं वह आत्मा को जाना पड़ता है तो ये एक एक ये तरीका है जीवन जीने का सकाम कर्म जी जो है जिस पे सारा संसार चल रहा है तो उनकी यात्रा कैसे है वो कामनाओं के पीछे चलते हैं सकाम मतलब कामना सहित और कामना कहाँ रहती है या तो इंद्रिय में या तो मन में या तो बुद्धि में पहले इंद्रियों ने कहा कि हमें ऐसा चाहिए फिर मन ने भी समर्थन कर दिया कि हाँ ठीक है ये अच्छा है आपका सुझाव उसको ले लेना चाहिए फिर बुद्धि ने भी निर्णय दे दिया कि ठीक है मेरी भी अनुमति है तो फिर आत्मा क्या करेगा बेचारा इनके पीछे जाएगा और कामनाओं के पीछे जाते जाते इंद्रिय मन आदि के पीछे जाते जाते ये कामनाएं इस मनुष्य को कहाँ ले जा करके पटकेंगी वो सारे संसार में दिखाई दे रहा आपको जो व्यक्ति कामनाओं के पीछे चलता है तो अंत में संसार से जाते समय उसकी अनुभूति क्या होती है सिकंदर ने कहा दोनों हाथ बाहर निकाल देना अर्थी से मेरे ताकि मैं तो नहीं समझ पाया जीवन भर मैं तो इन कामनाओं के पीछे दौड़ा तो पर दूसरे लोग जान लें मेरे अनुभव से कि मैं कुछ भी साथ नहीं लेके जा रहा हूं खाली जा रहा हूं बाहर से भी खाली अंदर से भी खाली क्योंकि अंदर तो कभी भरने की कोशिश ही नहीं की बाहर से ही भरता रहा मैं तो।, तो दूसरे लोग कम से कम मेरे से ये सीख लें कि वो उन चीजों का खजाना भरें जो साथ ले जा सकते हैं तो साथ क्या ले जा सकते हैं साथ अपने पुण्यों के संस्कार ले जा सकते हैं कमाया हुआ धर्म किसी की की हुई सेवा जो उच्च संस्कार हैं, उच्च कर्माशय है वो साथ जाता है बाहर की वस्तुएं तो जाती नहीं है तो ये कहाँ ले जाती हैं आत्मा को कामनाएं ये सारा संसार जहाँ जा रहा है अत्यंत निराशा के पॉइंट पर ले जाके पटकती हैं अंत में व्यक्ति को पता लगता है जिन कामनाओं के पीछे तू जीवन भर दौड़ता रहा ये तो आज भी समाप्त नहीं हुई और जीवन समाप्त हो गया कामना ही समाप्त नहीं हुई ये एक रास्ता है सकाम कर्म करने का एक दूसरा रास्ता है निष्काम वाला जो इसमें बताया दूसरे अध्याय में बताया ये निष्काम वाला चलता है आत्मा के पीछे ये तीनों चलते हैं आत्मा निर्णय लेता है बुद्धि उसको अभिव्यक्त करती है आत्मा के भाव को बुद्धि कहती है कि ये रास्ता श्रेष्ठ है जब बुद्धि ने एक बार निर्णय कर लिया तो फिर मन भी अपनी आहुति उधर ही देने लगता है कि ठीक है जब आपने निर्णय कर लिया तो अब मैं भी वही चिंतन करूंगा जो इस रास्ते से संबंधित साधन है उन्हीं के बारे में मैं भी सोचूंगा दूसरे विचार उठाऊंगा ही नहीं फिर इंद्रियां कहती हैं कि ठीक है जब आप दोनों का ये निर्णय है तो हम भी ऐसा करने में ही सहयोग करेंगे तो फिर हाथ पैर चक्षु आदि सब इंद्रियां उसमें सहयोग करने लगती हैं सेवा में लग जाती हैं तो अब ये आत्मा जिसका सारथी है ये कहाँ ले जाकर के पहुंचाएगा निष्काम वाला रास्ता ये ब्रह्म में जाके समाप्त होता है क्योंकि इसका लक्ष्य वो है जो पूर्ण आनंद है तो इसका सफर वहां समाप्त होगा जहां पूर्ण आनंद है तो ये दो रास्ते बताए तो इसलिए इन्होंने कहा इंद्रिया मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्चते इन कामनाओं का अधिष्ठान ये रहती कहाँ हैं ये रहती हैं इंद्रियों में मन में बुद्धि में ये इनके रहने के स्थान हैं इसलिए ही, ही विमोहयति एशह इन कामनाओं के द्वारा ये जो मन बुद्धि और इंद्रियां हैं इनके द्वारा इस देही को देही माने आत्मा को ये कामनाएं मोह में डाल देती हैं भ्रमित कर देती हैं इन तीन के द्वारा इंद्रिय मन और बुद्धि के द्वारा ये कामनाएं इस आत्मा को विमोहयती मोहित कर देती हैं ये कामनाएं इसको व्यूह चक्र में डाल देती हैं तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ उसके साथ ऐसा क्यों हुआ वो कौन होते हैं ऐसा निर्णय लेने वाले ये तो मेरा कार्य क्षेत्र था ये तो मेरे विद्यार्थी थे ये तो मेरा गुरुकुल था ये तो मेरी क्लास थी ऐस, ऐसे आती हैं ना ये सारी कामनाएं? तो ये कामनाएं कहाँ रहती हैं मन बुद्धि और इंद्रियों में और ये इस आत्मा को क्या करती हैं विमोह है मोहित करती हैं भ्रमित करती हैं और ज्ञानम आवृत्य इसका आत्मा का अपना जो विशुद्ध ज्ञान था उसको आवृत्त कर देती हैं ढक देती हैं उसको ढक के अपने चक्कर में फंसा देती हैं ये कामनाए है। इसलिए क्या कहा तस्मा तुम इंद्रियाणी आदो नियम भरतर्षभ इसलिए हे भरतर्षभ भरतर्षभ माने भरत कुल में पैदा होने वाले श्रेष्ठ अर्जुन आदौ सबसे पहले आदि में अर्थात सर्वप्रथम तस्मात हे अर्जुन भरतर्षभ तस्मात त्व आदौ इंद्रियाणि नियम्य इसलिए तू सबसे पहले क्या कर इंद्रियों को वश में कर पहले तो इंद्रियां जब भी उल्टा पलटा तो कोई कामनाएं तेरे से पूरी करवाने लगे तो इनको रोक वहां पर चक्षु को वाणी को श्रोत्र को घ्राण को त्वचा को पाणी पाद पायुपस्थ को इन सब को अपने वश में कर सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें निष्काम होने के लिए कहाँ से करें इंद्रियों, इंद्रियों से।, से इंद्रियों में निहित जो इंद्रियों की जो कामनाएं हैं सबसे पहले उनको वश में कर आदौ इंद्रियाणी नियम्य सबसे पहले इंद्रियों को वश में कर क्योंकि पापमानम प्रजहि ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम क्योंकि ज्ञान विज्ञान नाशनम ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाली एनम इस कामना को ही इसको तू प्रकृष्ट रूप से मार प्रज ही जही नहीं ही प्रकृष्ट रूप से मार माने इसमें थोड़ा सी भी जान ना रह जाए पाप मानम पाप मानम इस पापी कामना को इसलिए तू अपनी इंद्रियों को वश में करके पहले इंद्रियों से इस कामना को मार दे इंद्रियों की कोई कामना नहीं होनी चाहिए पहले दसों इंद्रियां कैसी होंगी निष्काम तो फिर यह व्यक्ति क्या बन जाएगा दशरथ दशों इंद्रियां रथ का, का काम करती हैं आगे ले जाने का, का काम करती हैं जिसके लिए वो कौन है दशरथ तो आप दशरथ बन जाएंगे तस्मात्व इंद्रिया आदो नियम्य भरत भ प्रजहि एनम् एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम इस ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले पापमान इस पापी कामना को प्रजहि तू मार दे नष्ट कर दे पहले इंद्रियों से कामना को नष्ट कर दे इसमें अपने ही अपने हाथों से ऑपरेशन करने जैसा है जैसे ऑपरेशन तो डॉक्टर करता है और डॉक्टर भी कैसे करता है एनस्थीसिया देके करता है बेहोश करके करता है नहीं तो करवाए थोड़ी व्यक्ति और ये तो ऑपरेशन कैसा है अध्यात्म में तो ओपन ओपन सर्जरी यहाँ तो खुले अपने ही हाथों से अपनी चीर फाड़ खुद करनी पड़ती है व्यक्ति को तो ऐसा क्यों कर तो कह रहे हैं इसके रहस्य को समझ तू पहले अपने अस्तित्व के रहस्य को समझ तब तू ऐसा कर पाएगा तो कहा इंद्रियाणी पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मन मनसस्तु पराबुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह इसको याद कर लेना इंद्रियाणी पराणी आहु शरीर से तो इंद्रियां सूक्ष्म हैं परे हैं परे मतलब सूक्ष्म जैसे शरीर में ये गोलक दिखाई दे रहे हैं आंख और इस आंख से भी परे है चक्षु इंद्रिय गोलक जो बाहर दिखाई दे रहा है ये चक्षु इंद्रिय नहीं है चक्षु इंद्रिय इससे भी सूक्ष्म है तो इसलिए कभी आपने देखा होगा कि कुछ जो सूरदास होते हैं उनका गोलक तो ऐसे ही होता है हमारे जैसा ही खुला भी होता है लेकिन उनको दिखाई नहीं देता है चक्षु इंद्रिय नहीं है ऐसे ये जो बाहर गोलक दिखाई देता है ये स्रोत इंद्रिय नहीं है जो बहरे बधिर लोग हैं गोलक तो उनका ऐसा ही होता है लेकिन श्रवण शक्ति उसमें नहीं होती है तो ऐसा गोलक होते हुए भी उनको सुनाई नहीं देता है तो शरीर से तो इंद्रियां परे हैं स्थूल शरीर से इंद्रियां सूक्ष्म हैं और इंद्रियभ्य परम मन इंद्रियों से भी मन परे होता है मन उससे भी सूक्ष्म है कभी क्या होता है आंख में देखने की शक्ति है लेकिन आंख खुली है आंख में देखने की शक्ति भी है लेकिन मन कहीं और लगा हुआ है तो फिर आंख खुली होते हुए भी चक्षु इंद्रिय के ठीक होते हुए भी वो रूप दिखाई नहीं देता है दूसरे व्यक्ति आके पूछता है कि जी इधर से मेरी गाय चली गई आपने देखी क्या तो ये व्यक्ति कहता है मेरा तो ध्यान कहीं और था मैंने तो ध्यान नहीं दिया क्या चला गया तो इन इंद्रियों से भी सूक्ष्म कौन है परे कौन है मन और मनसस्तु परा बुद्धि ही मन से भी परे माने मन से भी सूक्ष्म क्या है बुद्धि मन में तो संकल्प विकल्प चलते रहते हैं विचार ना ऐसे धारा की तरह से उनमें से फिर एक का निर्णय करना ये बुद्धि का काम है क्योंकि यदि निर्णय ही ना हो तो चले कहा आदमी किधर कदम बढ़ाए तो फिर बुद्धि निर्णय करती है कि अभी आपको पतंजलि योग पीठ जाना है तो फिर आ जाते हैं तो मनसस्तु परा बुद्धि मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है बुद्धे परतस्तु सह और बुद्धि से भी जो परे है बुद्धि से भी जो सूक्ष्म है वो आत्मा है और वो तू है इसलिए तू इस सारे अपने अस्तित्व को पहले जान इसका परिचय कर तब तू इनसे हट पाएगा क्योंकि वो तेरा व्यक्तित्व अस्तित्व है ही नहीं इंद्रियों वाला जिसको तूने अपना व्यक्तित्व मान लिया है वो तेरा व्यक्तित्व नहीं है तो इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से बुद्धे है परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मान आत्मना तो इस प्रकार से एवं बुद्धे है परम बुद्धि से भी श्रेष्ठ बुद्धि से भी सूक्ष्म बुद्धि से भी परे बुद्धवा उस अपने आत्मा को जान करके के अपने स्वरूप को जान करके संस्तभ्य आत्मान आत्मना आत्मानम उस आत्मा को आत्मना संस्तभ्य आत्मा को आत्मा से ही वश में कर तो जो जिससे बना है उसको ठीक भी किससे किया जा सकता है उसी से ठीक किया जा सकता है तो जैसे कोई कुंडल सोने से बना है फिर टूट गया तो उसको ठीक भी सोने से ही करते हैं मिट्टी की दीवार है वो टूट गई तो उसको ठीक भी मिट्टी से करते हैं सीमेंट की दीवार है वो टूट गई तो ठीक भी सीमेंट से करते हैं लोहे की कोई चीज़ टूट गई तो ठीक भी लोहे से करते हैं इसलिए शरीर के लिए जो नेचुरोपैथी वाले हैं ना वो बोलते हैं कि ये शरीर हमारा पंच तत्व से बना है इसलिए इसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है नेचुरोपैथी अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से इसको ठीक करो नेचुरल ढंग से तो यहाँ पर भी आत्मा को किससे ठीक करें आत्मा से ही आत्मना आत्मानम संस्तभ्य आत्मा से ही आत्मा को वश में करके शत्रुम जही कामरूपम दुरासदम शत्रुम जही ये जो कामना रूपी शत्रु है और कैसा है ये दुरासदम दुर्जे इसको जीतना बड़ा कठिन है तो देखो कैसे शत्रु को साथ लेके घूम रहे हैं हम और हम तो उस शत्रु को पुष्ट और कर रहे हैं प्रतिपल वो आके बैठा है हमारे घर में और कभी, कभी कुछ मांगता है कभी कुछ मांगता है और हम उसकी कामना पूरी किए जा रहे हैं उसकी भरपाई किए जा रहे हैं तो शत्रु को ही हम पुष्ट किए जा रहे हैं और ये शत्रु कैसा है दुरासदम दुर्जे, जिसको जीतना बड़ा कठिन है तो इसको कैसे जीता जा सकता है अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के अपनी आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के हे महाबाहो इस दुर्जेय काम रूपी शत्रु को जही मार तो पहले बोल तू बाद का युद्ध तो भार वाला युद्ध तो बाद में लड़ रहे ना पहले जो तेरे अंदर कामनाएं ऊपर नीचे कर रही है ना तेरे चित्त को पहले तो तू इन कामनाओं को मार प्रशांत चित्त हो पहले पहले अपने स्वरूप को जान तू क्योंकि उसके बिना तो बड़ा काम कैसे हो पाएगा और छोटा भी नहीं हो पाएगा और बड़ा भी नहीं हो पाएगा तो यहां पर ये जो तृतीय अध्याय था इसमें हमें मुख्य रूप से निष्काम कर्म के बारे में एक तो बताया है और निष्काम कर्म को ही दूसरा शब्द क्या कहा इन्होंने यज्ञ यज्ञ के बारे में बताया है जो जिसका जीवन यज्ञमय नहीं है तो वो कभी भी अपनी आत्मा या परमात्मा को नहीं पा सकता है ये इन्होंने बताया तो हमारा सुबह से शाम तक के सभी कर्म कैसे हों यज्ञ निष्कामता और निष्कामता इन्होंने बता तो दी तो बोले ये व्यवहारिक भी है कि नहीं है निष्काम जीवन जिया भी जा सकता है कि नहीं जिया जा सकता है तो इन्होंने कहा निष्कामता ही व्यवहारिक है क्योंकि जिसको आप सकाम कह रहे हैं उसमें भी जब तक निष्कामता की पुट नहीं लगती है तब तक तो वो भी सफल नहीं होता है सकाम यज्ञ जो है तो उसमें भी थोड़ा तो निष्काम होना ही पड़ता है ना और ये सारी सृष्टि में निष्काम कर्मी कर रही है सारी शक्तियां इसलिए निष्काम होना ही स्वाभाविक है तो ये इसके ऊपर ज्यादा बल दिया है यज्ञ के बारे में दिया है तो जीवन एक यज्ञ है और इसकी पूर्णता किसमें होती है आत्मदान में इस यज्ञ में अपना ही दान करना होता है तब इसकी पूर्ण होती होती है तो एक बार इसको पढ़ के जो जो विषय इसमें आए हैं इस पे आप थोड़ा चिंतन कर लें इसमें से कुछ प्रश्न छांट लें तो अभी समय हो गया अभी पाठ को विराम देते हैं ओ शाम शांति 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 श्री गुरुभ्यो नमः